अभी आप देख रहे हैं ये सिल्क क्लॉथ है, इसको मैं ये प्लाईवुड में चिपकाऊंगा कॉर्नफ्लोर की मदद से। सिल्क कैनवास बनाने के लिए, पटचित्र के लिए मैं एक बर्तन ले रहा हूँ। एक बर्तन में ठंडा पानी एंड कॉर्नफ्लोर, ये कॉर्नफ्लोर को मिक्स करूँगा। ठंडा पानी में मिक्स करना पड़ेगा। फिर हम इसको गरम करेंगे और जब गरम करेंगे बीच बीच में इसको मिक्स करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से बैठे नहीं, पूरा का पूरा मिक्स करना पड़ेगा। देखिए इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश थोड़ा हार्ड हो रहा है, ब्लू जैसा बन रहा है। मिक्स करते रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से बन जाए। अभी देखिए ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, ये ग्रेविश कलर जब हो जाएगा अभी पता चल जाएगा कि वो रेडी है। हम ये ग्लू को सिल्क क्लॉथ में चिपकाएंगे। अब तैयार रेडी है। अब चूल्हा बंद करके हमें इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने ये प्लाईवुड लिया, एक प्लाईवुड के ऊपर ये पेपर सिल्क को मैंने जो आयरन करके रखा था इसको आराम से बैठा दूंगा। फिर इसमें ठंडा हुआ कॉर्नफ्लोर को ऐसे चारों तरफ मिक्स करके लगाना है, एकदम अच्छे से लगाना है। ये जो बबल एक नहीं रहेगा, एकदम फ्लैट इसको लगाना है। फिर इसको धूप में रख देना है, वो कुछ देर बाद वो सूख जाएगा छोटा छोटा। फिर हम इसको स्केच करेंगे, डायरेक्ट पेंसिल्स के हिसाब से सूख जाने के बाद हम आराम से इसको स्केच कर सकते हैं। ऐसे बनाते हैं पटचित्र कैनवास, सिल्क का कैनवास। और ये कंप्लीट होने के बाद हम इसको उठा देंगे।